बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आयरन पे है। उससे पहले कल जो हमने लास्ट टाइम सैटरडे को टॉपिक पढ़ा था, उसके हमारे ना एमसीक्यूज वगैरह भी रहते हैं, तो पहले वो थोड़ा सा कर लेते हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, तो फिर इस तरह आते हैं। इसमें एक तो 27 नंबर एमसीक्यू है जो एक्सरसाइज में, विच इज द फार्मूला ऑफ टेट्रामीन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 सल्फेट। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का ये एमसीक्यूज है। इसमें हमारे पास ये तीन चार ऑप्शन बनती हैं ना, ए बी सी डी। लेकिन जैसे आपको याद होगा, उसमें हमारे पास था कि अल्फाबेटिक आर्डर जो होता है ना, जब हम नाम देते हैं तो बहुत सारे लिगेंड्स इकट्ठे हों तो फिर अल्फाबेटिकल आर्डर चलता है। जैसे अब ये टेट्रा अमीन ए है ना, अमीन का ए पहले आ गया। ये डाई ट्राई टेट्रा वगैरह का जो है ना, इसको नहीं कंसिडर करना, लिगेंड को करना, ये अमीन का ए आ गया। फिर क्लोरो का सी आ गया, फिर नाइट्रो का एन आ गया। तो अमीन क्लोरो नाइट्रो यानी अल्फाबेट। अब यहाँ पे जो आपके पास ना ए ऑप्शन में तो क्लोरो नहीं है ना, इसलिए गायब हो गए। तो जो बाकी है आपका बी है सी है और डी है, उसमें तीनों है, टेट्रामीन भी है क्लोरो भी है नाइट्रो भी है। लेकिन तरतीब उसकी उन्होंने आगे पीछे की हुई है, तो फिर हम उसमें से बेस्ट ऑप्शन उसी को लेंगे जो अल्फाबेट आर्डर में चल रहा होगा ना। तो क्लोरो आ जाएगा, फिर नाइट्रो आ गया और टेट्रा अमीन है नहीं, उसमें हम लेते हैं उसको जो तादाद के हिसाब से चल रहा होता है। जैसे वन वाला लिगंड, जैसे अमीन चार है ना, तो चार वालों को एंड पे रखा है। फिर उसके बाद क्लोरो और नाइट्रो जो दो हैं, ये दोनों एक एक हैं, तो ये पहले आ गए। उसमें भी फिर जो सिंपल वाला है उसको पहले कर लिए, और जो एन ओ टू वाला है उसको उन्होंने बाद में रखा जाता है। तो ये हमारी जो इन ए तो वैसे गया ना, बी सी और डी में से जो बेस्ट ऑप्शन बनती है वो, अब डी तो ये था ना, वो उसकी चल रही है उसके हिसाब से अल्फा बेट आर्डर के हिसाब से ना, जो डी वाली ऑप्शन है कि टेट्रा अमीन पहले नाइट्रो और क्लोरो है, ठीक हो गया। और लेकिन जो सी वाला है उसमें हमारे पास चल रहा है पहले क्लोरो है फिर नाइट्रो और फिर अमीन, जो है ना तादाद के हिसाब से आर्डर दिया हुआ। और जो बी वाला उसमें ये है कि वो नाइट्रो एन ओ टू है ना, तो ये ओ टू सी एल इस तरह फिर वो नहीं सही रहता, ब्रैकेट्स में एन ओ टू को होना चाहिए। तो एन ओ टू ब्रैकेट्स में आपके पास सी और डी में से दोनों में मौजूद है। अब इसकी हम अगर ऑप्शन देखें ना, ये हमारे पास 27 है, तो 27 में सी ऑप्शन बनते हैं कि ये लिखने में अल्फाबेट ऑर्डर है टेट्रामीन क्लोरो नाइट्रो एल्वन, लेकिन जब लिगेंड्स को लगाया जाता है तो वो तादाद के हिसाब से लगाया जाता है ना, कि जो ज़्यादा तादाद वाला उसको एंड पे, उससे पहले ये चार वाला, फिर उससे पहले ये एक एक वाले। और उसमें भी फिर जो सिंपल है, जैसे सी एल सिंपल है वो आ गया, और एन ओ टू जिसमें दो और साथ के ओ टू वगैरह थ्री इस तरह भी लग रहे हैं, तो उसको बाद में रख लेते। तो सी ऑप्शन हमारी यहाँ पे बन जाती है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स मौजूद होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाते हैं, ठीक हो गया। जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे चार अमीन है, हर अमीन अमोनिया एक ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाती है, नाइट्रो भी एक ही बनाती है, क्लोरो भी एक ही बनाती है। तो आप जो टोटल लिगेंड गिनेंगे तो चार ये हैं, एक नाइट्रो एक क्लोरो, तो पांच और एक छः हो गया। तो छः आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा प्लैटिनम का इस कंपाउंड के अंदर। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सेंट्रल मेटल एटम का था, लिगेंड का था जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, चिलेट्स वाला। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चिलेट्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में उसमें पास पेपर में भी आया हुआ,
बाकी जो है उसके और लॉन्ग क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से जब लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उस लॉन्ग क्वेश्चन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि वो चार चार नंबर में चारों ये चार दे देते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4, तो ये चार जो है वो उसमें आपके पास आ जाते हैं, जो ज्यादातर उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में दिए होते हैं। उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज के, इसमें एक्सरसाइज वाले भी शामिल है और बुक में भी जो एक्स्ट्रा दिए हुए थे कंपाउंड वो सारे भी मैंने शामिल किए हैं, तो ये उसका आपका उसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लेक्स दिया होता है और कहते हैं उसका नाम लिखते हैं, या नाम दिया होता है और कहते हैं उसका कंप्लेक्स बना दें, स्ट्रक्चर लिख दें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच एक्सरसाइज का जो सवाल है, तो पांचों का बना के अब ये वो जो शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर आपके हैं वही इसी का आंसर बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 3, उन्होंने लॉन्ग को ये भी एक्सरसाइज का है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर नेमिंग कंपाउंड्स को नाम देने के जो रूल्स हैं। अब इसमें आपके पास जो है ना वो शॉर्ट में तो ये मुश्किल है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आने के इसके चांस है, रूल चांस ही कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आए सवाल। अच्छा, आपकी बुक पे ना यहाँ पे इसी टॉपिक के एंड पे ना एक ये ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं आता ना लॉन्ग, आज तक कोई नहीं आया सवाल सिवाय इसके कि एमसीक्यू इसमें से हो सकता है, और एमसीक्यू ये है कि जैसे आपसे कहे जी के एस एम एन सी एल 4-2 जो है इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, इसने ये टेट्रामीन कापर जो है -2 के साथ इसकी क्या ज्योमेट्री है, स्केयर प्लेनर है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, तरह PCl5 जो है इसकी ये ट्राइगोनल बाई पैरामीडल जिसको DSP3 बन जाती है। अब ये यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, फास्फोरस ट्राई पेंटा क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद है हेक्सा अमीन कोबाल्ट +3 के साथ, तो उसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑक्टेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो ये आपका अब अगर इस ज्योमेट्री, वैसे ये हमने शायद लास्ट टाइम ना आपकी वो डिस्कस भी की हुई है, जैसे इसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसका आपको आइडिया है, इस शेप को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, फिर ये स्केयर प्लेनर के ये स्केयर है ना की शक्ल में, और प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में आ रही है सारी, ऊपर नीचे नहीं है, ये जो है वो ट्राइगोनल है, ये तीन कोने वाले ना ट्राइगोनल, जो तीन कलोरीन है वो ट्राइगोनल शक्ल में प्लेनर एक ही प्लेन में आती है, और दो कलोरीन एक ऊपर और एक नीचे, तो वो ऊपर की तरफ एक पैरामिड बनता है, नीचे की तरफ एक पैरामिड बनता है, तो नाम दे देते हैं बाई पैरामिड। ठीक हो गया, जो हेक्सा अमीन कोबाल्ट है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसलिए को स्केयर प्लेनर होता है जैसे वो पीछे था दूसरे में, उसके बाद उसके ऊपर भी एक अमीन है नीचे भी एक अमीन है ना, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी इन स्ट्रक्चर में की, कापर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, कापर तो नहीं ऊपर कोबाल्ट है ना, तो ये कोबाल्ट यहाँ पे CO आना, तो चार ये होगी और एक ऊपर की तरफ पैरामिड एक नीचे की तरफ पैरामिड बन जाता है ना, तो इसको ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर को फिर नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये 8 साइडें बन जाती है ना इसकी, चार ऊपर की 1 2 3 चार, चार साइडें ऊपर ऊपर वाले के साथ हैं, चार ही साइडें नीचे वाले के साथ हैं, तो 8 यानी बन जाए, इसमें ऑक्टाहेड्रल नाम देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 होता है, और हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी याद रहे, देखे ना कि 8 है तो इसको आपको कि 1 2 3 4 5 और 6 का ये जो सेंटर में कोबाल्ट है इसके 6 लूप्स होने चाहिए, तो 6 में हमारे पास ये ऐसे देखे ना sp3, 3p और 1s4 हो गए और d के 2 मिलके 6 हो गए, तो टोटल ये मिलके 6 लूप्स वाली ज्योमेट्री बना देंगे, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना देंगे। तो ये बस एमसीक्यू के हवाले से इसको देख लें, एमसीक्यू भी वैसे पास पेपर में इसका आया कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जरूर देख लें, कोई आइडिया नहीं है कि मे बी कोई एमसीक्यू इसका आ जाए।
उसके बाद हमारे पास है आयरन जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है। इसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ, इसमें आपके पास ना एमसीक्यूज बस हैं एक दो, के आयरन जो है ना वो, और आयरन के जो ओर्स हैं, ओर्स हम कहते हैं ना वो कंपाउंड हैं जो जमीन से निकाले जाते हैं ना, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो डायरेक्ट जमीन से निकलते हैं उनको ओर नाम देते हैं। तो आयरन जो है जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर मैग्नीटाइट Fe3O4 की शक्ल में पाया जाता है, हेमाटाइट Fe2O3 की शक्ल में, और लीमोनाइट Fe2O3.3 वाटर की शक्ल में। तो एमसीक्यू में जैसे वो पीछे हम पिछले जो ग्रुप्स थे ना उनमें भी इस तरह हमने उनके ओर्स पढ़े थे ना, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने मार्क भी किए थे कि एमसीक्यूज में हो सकता है कि फार्मूला दे के नाम पूछ ले या नाम दे के फार्मूला पूछ ले। तो उसमें उसी तरह ये तीन भी ओर्स आपके हैं, इन तीनों में से भी एमसीक्यू के हवाले से इसको बस आप याद रख लेना। उसके बाद है जी एक आपका एमसीक्यू बनता है कि इट वाज यूज्ड इन इजिप्ट इन 500 BC। एमसीक्यू के लिए आया नहीं आया तक बस। इट इज नोन दैट चाइनीज आल्सो यूज्ड आयरन एज अर्ली एज 2500 BC बिफोर क्राइस्ट। ने ये एमसीक्यू के लिए, इन द सब कॉन्टिनेंट आयरन वाज प्रोड्यूस्ड अराउंड 600 BC। ये भी एमसीक्यू है, तो मतलब ये जो ईयर दिए हुए हैं इसका एमसीक्यू के हवाले से एक नज़र देख लें। उसके बाद है कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन, आयरन की जो जनरल फॉर्म्स हमें मिलती हैं ये पाई जाती हैं वो कौन कौन से। अच्छा अभी ये आपका एमसीक्यू भी है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना कि व्हाट आर द कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन। ठीक हो, उसमें फिर हमारे पास ये आयरन आ जाए तीन, हम उसकी फॉर्म एक बोलते हैं पिग आयरन या कास्ट आयरन, और सेकंड रॉट आयरन है, तीसरा स्टील। तीनों को जो फर्क दिया हुआ है ना, या तीनों की जो कैटेगरी दी हुई है वो इस बेस पे दी हुई है कि BC कहते हैं जी बिफोर क्राइस्ट में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश से पहले के साल है, क्योंकि आप जो हम 2020 में बैठे हुए हैं तो ये 2019-20 ये जो ईयर है ये शुरू हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ना, उनकी बर्थ से ये इन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो उनसे पहले जो फिर किसी चीज़ के बारे में बताना ना, तो फिर हम बताते हैं कि जैसे 1500 BC का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट मतलब 1500 साल पहले। इस तरह 2500 BC से मुराद ये है कि 2500 साल पहले, और 600 BC से मुराद ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले। तो वो पुरानी फिर जो हमारी है ना, इस जो हम डेट आजकल यूज़ करते हैं जो हमारा ईसवी सिस्टम है ना, तो उससे पहले ये फिर BC का सिस्टम जो है ना वो यूज़ करते हैं पहले वाली डेट्स को बताने के लिए। तो वो चूंकि इतना ज़्यादा उस वक्त तो क्लियर नहीं था, पर सिर्फ यही रफली, ये रफ ही होता है आइडिया एक ना, तो रफली उसको फिर ये नहीं बता देते हैं, ये नहीं बता सकते हम कि जनाब इतने साल और इतने महीने हो गए थे, ये नहीं मतलब ये 600 अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 600 साल और 2 महीने पहले, क्योंकि उस वक्त मंथ वगैरह वाले सिस्टम नहीं थे। अच्छा उसके बाद है जी कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन का शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आता है। इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें इन तीनों जो टाइप्स बनती हैं आयरन की, वो कार्बन की परसेंटेज जो उनमें मौजूद है ना उसके फर्क की बेस पे ये तीन मुख्तलिफ टाइप्स बनती हैं। कार्बन की परसेंटेज के चेंज होने से उस आयरन की स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, उसकी कई प्रॉपर्टीज जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया उसकी, डक्टाइल या मेलिएबल आपने पढ़ा था कि वो हम मेटल्स को मोड़ सकते हैं ना या उनकी शीट बना सकते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं जब उसके अंदर, उस मेटल के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बदल जाएं। इम्प्योरिटीज़ अगर निकल जाएं तो वो स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाएं तो स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा, जैसे अलॉयज होते हैं
दो मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना कि वो मजबूत है, आम मेटल से वो मजबूत है। उसकी वजह यही होती है कि वो आम प्योर मेटल में तो आप जब कोई वजन या कोई वेट उस पर पड़ता है ना, तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है, जो मेटल के एटम्स के अंदर लेयर बनी होती है। लेकिन जब उसमें अलाय आता है, तो अलाय के जो अलाय का मतलब जो दूसरी मेटल आपने डाली है ना, जो मिक्सर बना रही है उसके साथ, वो उन्हीं लेयर्स के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है, तो वो फिर पे वो उन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होने देती। तो जो अलाय होता है, इसी वजह से वो ज़रा मजबूत होता है आम प्योर मेटल की निस्बत। तो जैसे जैसे ये आपकी इम्प्योरिटीज़ की, ये नहीं, उसके अंदर मौजूद चीज़ों की परसेंटेज चेंज होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल की चेंज हो जाती है। तो आयरन में वो कहता है कि अगर आर्डर इसका वैसे ये बनता है, आप ये जो रॉट आयरन है ये सबसे नीचे रख लें, इसकी परसेंटेज सबसे कम है ना, तो सबसे प्योर फॉर्म आयरन की यही कहलाती है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी जो है कार्बन की इम्प्योरिटी है वो सबसे कम है, मिनिमम है। वो हमारे पास यहाँ पे 0.12 से लेके 0.25% है, यानी 0.12 से 25% कार्बन हो तो वो रॉट आयरन हमारे पास है। उससे अगला स्टेप है नीचे वाला ना, स्टील वाला दूसरे नंबर पे, कि स्टील जो है वो फिर वो 0.25 तक का तो रॉट आयरन था ना, अब 0.25 से लेके 2.5 तक वो कार्बन है। अब इस तरतीब से ऐसे याद, 0.12 से 0.25 हो गया, फिर 0.25 से 2.5 हो गया, उसी 2.5 के दरमियान में डॉट लगा ली, तो ये अब स्टील का हो गया। तीसरे नंबर पे है, अब उसी 2.5 से लेके आगे 4.5 तक जो है वो पिग आयरन या कास्ट आयरन होता है। यानी ये तीन लेवल होते हैं कार्बन की परसेंटेज के आयरन के अंदर, और इन तीनों की चेंज होने से आयरन की प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो रही होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है जी, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, कि एमसीक्यू में भी वैसे ये कि रॉट आयरन में कितनी कार्बन होती है, पिग आयरन में, स्टील में कितनी कार्बन, स्टील का एमसीक्यू शायद पास पेपर में आया भी होगा, कि उसमें पूछी थी उन्होंने कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। तो ये एमसीक्यू में ये परसेंटेजेस आपने याद रखनी, और ओवरऑल ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका, कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन कौन कौन से। उसके बाद हमारे पास है जी, अब रॉट आयरन, इसकी रॉट आयरन जो है एक जो हमने सेकंड बी नंबर पे जो दिया था रॉट आयरन, अब उसके अंदर 0.12 से 0.25% तो कार्बन है, इसके अलावा बाकी जो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि रॉट आयरन की कंपोजिशन कौन सी हो सकती है, ठीक हो गया। तो उसमें फिर हम बताते हैं कि जनाब ये एक तो कार्बन की परसेंटेज इसमें सबसे कम थी, 0.212 से 0.25% थी, उसके अलावा 0.3% तक इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सल्फर है, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैगनीज, उनकी भी परसेंटेजेस दी हैं। सल्फर जो है वो 0.2 से 0.15 तक है, मैगनीज 0.25 तक है, और फास्फोरस 0.024 से 0.2 तक। तो ये तीन की परसेंटेजेस भी दी एमसीक्यू के वाले से, इनको भी जरा देख लें। और लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप ये करेंगे कि रॉट आयरन की कंपोजिशन क्या है, तो उसमें फिर हम ये कंपोजिशन सारों मेंशन करते हैं। उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जी, पास पेपर के वाले से इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है रॉट आयरन वाला ना, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने अभी पिछला जो आपको बताया था ना, वो सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, ये तो वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो तो कई दफ़ा पास पेपर में ही आया हुआ सवाल, वो लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से। इसमें हमारे पास तीन लॉन्ग और बनते हैं यहाँ पे, उसमें से एक तो ये आयरन वाला बनता है, एक इससे आगे आएगी स्टील वाला ना, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। उसमें भी दो प्रोसेस हैं, एक ओपन हर्थ प्रोसेस लिखा हुआ है, और एक ये आपका सेकेंड ना बेसिमर प्रोसेस लिखा हुआ है। तो ये ओपन हर्थ और बेसिमर ये स्टील वाले जो प्रोसेस है ना, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं एज कम्पेयर टू दिस रॉट, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट एंड फ्रॉम कास्ट आयरन, इसकी निस्बत से वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर पास पेपर में आए हुए, तो इम्पोर्टेंट भी फिर उन्हीं को कहा जाएगा कि इन तीनों में से तो अगले दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास मैं चेक कर लूँ हेडिंग्स वगैरह बनी है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका बनाया हुआ है, इसमें ये देखिए ना, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन, उसमें फर्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन की, उसमें सारी बॉडी जो है ना उसकी वो कंस्ट्रक्शन उसको ये बताया।
आपकी बुक में भी यही फिगर बनी हुई है, उसको मैंने जरा सिंपल करके आउटलाइन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसी तरह की आउटलाइन बना लेंगे तो वो आपका काम जो है ना वो उसको याद करना आसान हो जाएगा। अच्छा, पहले पॉइंट पे आपने बतानी कंस्ट्रक्शन, यानी ये इसकी बॉडी जो होती है वो किस तरह की होती है। इसमें ये सेंटर में देखें ना, ये एंड पे एक टब सा बना हुआ है, ये टब वो है जहाँ पे हम आयरन, जिस आयरन को आपने मेल्ट करना है, यानी जिसको आपने जो आयरन से मुराद है पिग आयरन या कास्ट आयरन जो हमारे पास था, या पिग आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा थी, ये था ना ये पिग आयरन या कास्ट आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसमें से हमने कार्बन को उड़ाना है, कार्बन को या दूसरी इंप्योरिटीज को कम करना है। वो कम होगी तो जब कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी 0.12 से 0.25%, तो वो आपका रॉट आयरन जो है वो बन जाएगा। तो यही फंक्शन है इस इंस्ट्रूमेंट, ये जो चिमनी आपको नजर आ रही है, फर्नेस नजर आ रही है, इस फर्नेस का यही मकसद है कि ये कास्ट आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। पहले काम हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये नीचे टब है ना, जहाँ पे हम उस कास्ट आयरन को रखते हैं जिसको हमने रॉट आयरन में बदलना है, इसकी जो बॉटम है ना, नीचे बॉटम, उसको हम हेमाटाइट के साथ ना एक लेयर उसकी चढ़ा देते हैं। मतलब हेमाटाइट की एक साठ जो था ना इसका आयरन का, जो हमने भी पढ़ा हेमाटाइट का, ये ओर्स ऑफ आयरन थे ना, मैग्नीटाइट, हेमाटाइट और लिमोनाइट, ठीक, तो वो ओर्स ऑफ आयरन जो उसका एमसीक्यू जो लिख किया था हमने, आपकी बुक पे यहाँ से भी देख लेते हैं, ये हेमाटाइट Fe2O3 जो है ना सेकंड वाला, तो हेमाटाइट आपके पास जो है उसकी एक लाइनिंग की जाती है ना बॉटम के ऊपर, सारी इस ट्रे जो है ना इसकी सारी बॉटम के ऊपर कर लेते। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है, ये हो गया लाइनिंग करने के बाद, फिर इसमें हम ऐड करते हैं उस कास्ट आयरन को या पिग आयरन को जिसको हमने कन्वर्ट करना है रॉट आयरन, उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास ये जो जहाँ लिखा ना फर्नेस है, यहाँ से आपके पास हॉट गैसेस आ रही होती है, यानी पीछे से हमने हीट वगैरह बर्न की होती है और वहां से हॉट गैसेस को फ्लो करवा रहे होते हैं, यहाँ पे भेज रहे होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो छत इसकी होती है ना, जिस तरह ये टेढ़ी सी ना, इसे नीचे की तरफ लाने का मकसद ये है कि वो जो गैसेस यहाँ से एंटर होंगी ना, तो फिर वो ये नीचे की तरफ ऐसे आएंगी तो उनका इंटरेक्शन इसके साथ होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे आयरन के साथ। तो आयरन के साथ उन गैसेस का चांसेस होने का मतलब ये कि वो हीट इनको ट्रांसफर करेगा, आयरन पहले मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर जो आपके मौजूद हैं कंपाउंड या एलिमेंट्स वगैरह वो फिर रिएक्शन शुरू कर देंगे उन हवा के साथ या वो जो गैसेस वगैरह आ रही है उनके साथ। अमूमन होता यही है कि एयर होती है, गर्म एयर, हॉट एयर, उसी को भेजा जाता है, यहाँ पे वो आ जाता है मोल्टन, ये हाई रूफ से टच होती हैं, टच होके नीचे आती हैं, आयरन भी पड़ती हैं और आयरन को मेल्ट करती जाती हैं, तो आयरन हमारे पास जो है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। जब मोल्टन फॉर्म में, चूंकि सॉलिड का तो रिएक्शन ज़रा काफ़ी स्लो होगा ना, लेकिन लिक्विड का आपको पता है ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस का तो और ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन गैस में यहाँ जाना तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए उसके लिए, तो हम उसको इतनी हीट यानी एयर के जरिए, गर्म गैसेस के जरिए देते हैं कि वो आपका ये जो मोल्टन आयरन है ना वो मेल्ट हो जाए, ठीक हो गया। ये मेल्ट हो गया जी आपके पास, उसके बाद फिर जो एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वो इनके साथ अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज वगैरह के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फर्नेस कॉल्ड पुडलिंग फर्नेस, इसको पुडलिंग फर्नेस भी बोलते हैं, पुडलिंग आप कहते हैं ना इसको, कहते हैं हलवे को कहते हैं। अच्छा, इट हैज अ लो रूफ टू डिफ्लेक्ट द हॉट गैसेस टू मेल्ट द कास्ट आयरन, ये लो रूफ उसको मेल्ट करने के लिए। हर्थ ऑफ द फर्न, हर्थ मतलब बॉटम जो है ना, ये जो इसका बिल्कुल नीचे ये जो तय है हेमाटाइट की ना, हर्थ उसको, या इसको वो एक हो ना चूल्हा, चूल्हे का नाम, चूल्हे की भी इंग्लिश अर्थ आ जाती है ना उसमें, ठीक हो। अच्छा, उसके बाद अब होता क्या है जी कि अब प्रोसेस जो है वो ये कि वो जो यहाँ से एयर आ रही होती है, ऑक्सीजन वगैरह, वो फिर इधर इन पे पास पहुंचती है, इसके अंदर इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन होता है,
जो गैसेस वगैरह बनती हैं वो सारी यहाँ से निकल जाती हैं वेस्ट गैसेस की शक्ल में, ठीक हो गया। और जो यहाँ पे हमारे पास बनती हैं जो सॉलिड इम्प्योरिटीज बनती हैं, वो आयरन की चूंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है ये नीचे बैठेगा, और वो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर इसकी सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं, उनको हम ऊपर से आराम से अलग कर लेते हैं, डिकेंट कर लेते हैं। डिकेंटिंग होता है ना, ऊपर से अलग कर लेते, तो वो अलग कर ली जाती है, और ये हमारे पास जो नीचे है ना वो आयरन जो है वो प्योर आयरन जो है वो आ जाता है। और जो गैस की शक्ल में प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ वेस्ट गैसेस की शक्ल में बाहर निकल जाते हैं। रिएक्शन हमारे पास ये जो उन रिएक्शन ये उसकी तरतीब है जी। इसमें आप देखेंगे तो पहले कार्बन जो वहाँ मौजूद था कास्ट आयरन में, वो Fe2O3 जो है आपका ये जो हेमाटाइट था, ये था ना इसका Fe2O3 हेमाटाइट है, इसी के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है और आयरन बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनी वो निकल गई। यानी कार्बन इम्प्योरिटीज इस तरह हमारी अलग हो सकती है। जो सल्फर की इम्प्योरिटी अगर उसमें मौजूद है तो वो भी उस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन को अलग कर देती है और SO2 गैस बन जाती है, वो भी गैस की शक्ल में निकल जाते हैं। यानी कार्बन और सल्फर की रिमूवर जो है Fe2O3 के साथ रिएक्शन हो के गैसेस की शक्ल में निकल जाती है। इसके अलावा इनका रिएक्शन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है ना, जो एयर हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, तो कार्बन उसके साथ भी रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डायरेक्ट रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना सकती है। लेकिन ये फिजिबिलिटी ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा यानी इतना कार्बन का तो आपको पता है वो बड़ी आसानी से बर्न हो जाता है, लेकिन सल्फर इतनी आसानी से बर्न नहीं होता, सल्फर ऑक्सीजन के साथ इतनी आसानी से कंपाउंड नहीं बनाता। जी बेटा आपकी क्या सवाल? नो सर, 265? नहीं, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये हो गया जी। उसके अब हम एक तो ये बात कहते कार्बन सल्फर की इम्प्योरिटीज जब उस आयरन में होंगी तो कार्बन तो Fe2O3 के साथ यानी जो वहीं पे साथ ही मौजूद है रिएक्शन करके कार्बन मोनो और सल्फर रिएक्शन से SO2 बना देता है। लेकिन कार्बन के एक और चांस जो हो सकता है वो आने वाली जो यहाँ से हवा है उसके साथ भी जो सरफेस सरफेस पे कार्बन होगी ना, अंदर वाली तो नीचे ही रिएक्शन कर सकती है हेमाटाइट के साथ, जो सरफेस पे होंगी उसका हवा के साथ रिएक्शन हो सकता है और वो डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन मिल के कार्बन मोनो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। अच्छा इसी तरह आप जो सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज है वो आयरन के साथ Fe2O3 के साथ मिले तो वो आपके पास आयरन और SiO2 बना दे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो भी वेरी हाई टेम्परेचर उसको चाहिए, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पे वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना सके, ठीक है, तो वो नहीं बने। सिलिकॉन का डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मुश्किल है। हाँ Fe2O3 के साथ वो एक रिप्लेसमेंट, ये जो होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जो रिएक्टिव आयरन है वो लेस रिएक्टिव को यानी उसके कंपाउंड में से निकाल देते हैं, इस तरह के होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल आपकी इंटरचेंज होता है, आयरन को निकाल दिया जाता है और सिलिकॉन ऑक्सीजन मिल के सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। अच्छा उसके बाद आपके पास जो मैगनीज है नेक्स्ट आता है इम्प्योरिटी अगर मैगनीज की मौजूद हो तो उसके साथ भी उसके पास भी दो चांसेस हैं, एक ऑक्सीजन के साथ है MnO बना दे और एक उसका Fe2O3 के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, उसमें भी वो मैगनीज ऑक्साइड बना सकते हैं। लेकिन उसमें रिएक्टिविटी की बेस पे यानी इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होता जिसकी वजह से वो फिर मैगनीज की जो मैगनीज ऑक्साइड बनता है उसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मैगनीज की डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MnO बनाने की है। अच्छा ये जो मैगनीज मोनोऑक्साइड MnO बनता है ये फिर सिलिका के साथ जो पहले से बन चुका था ना, सिलिका तो वहाँ रेत की शक्ल में आ गया, तो सिलिका जो बन चुका है वो और MnO ये दोनों आपस में मिक्सअप हो के मैगनीज सिलिकेट बना लेते हैं। जो स्लैग स्लैग हमने अभी मैंने बोला था ना, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं वो कम डेंसिटी की वजह से आयरन के ऊपर आ जाएंगी, आयरन ये जो प्योर आयरन होगा वो नीचे होगा और इम्प्योरिटीज उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगी, तो ये सरफेस के ऊपर जो इम्प्योरिटीज आती हैं सॉलिड इम्प्योरिटीज उनको नाम दिया जाता है स्लैग। तो कहता है वो मैगनीज सिलिकेट की शक्ल में स्लैग हो सकता है कि जिसमें मैगनीज ऑक्साइड और SiO2 मिल के ये बना चुके हैं। इस तरह फास्फोरस जो है वो डायरेक्ट आयरन के साथ से रिएक्शन करके वो बना सकता है P2O5,
और ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके P2O5 बना सकता है, और Fe2O3 जब P2O5 के साथ रिएक्शन करती है, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं फिर, और आयरन फास्फेट बनता है जो स्लैग के तौर पे भी काम लेते हैं और इससे ये फर्टिलाइजर के तौर पे भी काम ले रहे होते हैं ना, आयरन ऑक्साइड, इसको फेरिक, ये फेरिक फास्फेट है ना, फेरिक फास्फेट जो है ना, क्योंकि फास्फोरस प्लांट्स को चाहिए होता है ना बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में, तो फास्फोरस प्लांट्स को देने के लिए आयरन भी चाहिए, लेकिन आयरन माइनर में आता है, थोड़ी मोड में चाहिए होता है, फास्फोरस ज़्यादा मोड में चाहिए, तो इसको हम फेंकने की बजाय खाद के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें आपने जो है ना, ये ऊपर सिर्फ उसी को प्रोसेस को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे मूव करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ ओवरऑल इस, ये जो रिएक्शन मैंने बताया इसी को उसने ऊपर वर्डिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो आता है रिएक्शन, ओवरऑल जो रिएक्शन बन जाते हैं, इसको एक नजर में अगर आप देखें ना, आपके अभी वो कर लेना, अगले भी पढ़ेंगे ना तो फिर मैं इससे भी आपको कंपेयर करवा दूंगा, इनके ना मिलते जुलते स्टेप है, मतलब रिएक्शन जो है ना इसके आयरन इस मेथड के, यही से आगे स्टील में हमने जो दो उसकी प्रेपरेशन के मेथड पढ़ने, उनके भी यही तरीका है, मतलब तकरीबन सेम मिलते जुलते रिएक्शन है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो एक आप कर लेंगे तो दूसरे भी बड़े इजीली हमारे वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक होगा। तो ओवरऑल याद ये रखना है जी कि कार्बन का आयरन ऑक्साइड, मैंने ये रिएक्शन वो लिखे हैं जो आपकी बुक पे लिखे हों तो उनको वैसे ही लिख दिए, ठीक है, लेकिन जो बाकी हो सकते हैं वो मैंने वैसे जबानी आपको बता दिए कि कार्बन का आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, सल्फर का आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, और कार्बन मानो और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की शक्ल में निकल गई, आयरन बन गया जो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए। फिर इसी तरह जो सिलिकॉन है वो आयरन ऑक्साइड के साथ करता है, वो भी आयरन बनाता है और सिलिका बना देता है। जो मैगनीज है वो ऑक्सीजन के साथ मैगनीज ऑक्साइड बनाती है, फिर सिलिका के साथ मिलकर मैगनीज सिलिकेट का स्लैग बनाती है। इस तरह फॉस्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर फॉस्फोरस ऑक्साइड है, और फिर वो आयरन ऑक्साइड से मिलकर आयरन फास्फेट का स्लैग बनाती है जो फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रॉट आयरन, कलेक्शन कैसे करते हैं, तो इम्प्योरिटीज वगैरह हम जो है वो उसमें से अलग कर लेते हैं विद मेल्टिंग पॉइंट और द मेटल इंक्रीजेस एंड इट इज टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में हमें वो आयरन मिल जाता है, ठीक हो गई। और इट इज सब्जेक्टेड टू हैमरिंग टू स्क्वीज आउट द स्लैग, उन बॉल्स को फिर बॉल्स की शक्ल में यानी सॉलिड शक्ल में मिलता है, तो सॉलिड को हम फिर हैमरिंग करके उसको स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं कि उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज वगैरह हैं तो वो भी निकल जाए और हमारे पास जो है आयरन प्योरीफाई हो जाए, ठीक हो गई। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो इसके रिएक्शन बन जाते हैं। और इस टॉपिक में हमारे पास MCQs जो आपका एक्सरसाइज के हवाले से ये कह दे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इन द ऑर्डर, तो उसमें अभी बात की ना कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर स्टील में और फिर रॉट आयरन में ना, तो ये सी ऑप्शन हमारी बन जाती है, कास्ट आयरन, फिर उसके बाद स्टील और उसके बाद फिर रॉट आयरन आ जाता है। एक ही MCQ एक्सरसाइज का, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक में से आपके एक्सरसाइज में कोई नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए थे, एक कमर्शियल फॉर्म जो आयरन वाला शॉर्ट क्वेश्चन और एक ये रॉट आयरन इसकी कंपोजिशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है पास पेपर के वाले से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पास पेपर में आया हुआ है, एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन पास पेपर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये भी आपने ज़रूर करना, ठीक है जी। बस करते हैं इतने, बाकी इंशाल्लाह।